Hello everyone, how are you? Well guys, this is part 4 of our Desh ki baat karenge yaar. So much to talk about, in this video. I'm going to talk about a lot because I have so many things to convey to you wonderful guys. But before that, welcome you all to my channel. यार देश की बात में यार जैसे यार 25th May 2020 से अक्रॉस इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने बोला कि यार डोमेस्टिक स्टार्ट करना पड़ेगा. यस, धीरे धीरे चीज़ें को ट्रैक पे लाना पड़ेगा. तो 25th मई से बहुत सारे एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया ओपन हो चुके हैं. इसमें महाराष्ट्र का बहुत कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो भी रिजॉल्व हो चुका है. महाराष्ट्र ने भी अलाउ किया यार, लेकिन इट वॉज सडनली. आई मीन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट को कोई मौका नहीं मिला. दे डोंट हैव मच टाइम टू डू सो मे. आई मीन एयरपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं, बहुत होते चीज़ें होती है यार. यू ऑल अवेयर ऑफ, तुम जाते होते हैं, टिकट प्लस चेकिंग, ग्राउंड स्टाफ, बसेस, तुम एयरपोर्ट वहाँ तक एयरलाइंस तक पहुँचते, फिर वहाँ से टिकट चेक, 50 चीज़ें होती है. तुम यू ऑल अवेयर ऑफ, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से इज 82 फ्लाइट्स को कैंसिल हो चुका है यार. आई मीन इट्स हॉरिबल. आई मीन व्हाट आई मीन टू से ना कि ठीक है यार, एक वीक बाद ही करो, लेकिन ये फुल फ्लैज फुल प्रूफ के साथ चलो. ये नहीं कि अब इतने लोग यार बहुत दूर से आ रहे हैं, अब पता फ्लाइट कैंसिल, व्हाट इज दिस? आई मीन दिस इज नॉट राइट. दिस इज समथिंग व्हाट यू आर मेकिंग फूल टू द, यू आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड यार. चूतिया बना रहे हो एक्चुअली, बेसिकली, राइट? सो यार मुंबई में ऐसे तो यार तुमने इस चीज़ को बहुत बार सुना होगा कि यार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट कोरोना वायरस. उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी इंटरफेरेंस विथ डॉक्टर इज समथिंग व्हाट यू ऑल फैमिलियर विथ. तो मुंबई में एक डॉक्टर ने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया कि लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है यार. दे डोंट हैव नॉलेज की और दे डोंट हैव यू नो लाइक. बेसिकली उनका कहना था कि जो यंग लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए इंस्टेड ओल्ड पीपल अगर मर भी रहे तो लेट इट बी. लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच, दिस इज़ अनएथिकल, इजंट इट? आई मीन एवरी पर्सन लाइफ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आई डू एग्री विद द फैक्ट दैट आई मीन कि यार ये दिस इज समथिंग व्हाट यार यू नो बाइफर्केटिंग बिटवीन यंग पीपल. भैया इक्वली इम्पॉर्टेंट है यार. तुम्हारे घर में पेरेंट्स वो भी तो ओल्ड है, तो तुम क्या मतलब ओके लेट इट बी ब्रो, इज मरने दो. ऐसा तो नहीं यार, देयर लाइफ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज लाइक योर लाइफ इज, राइट? तो उस पर एक डॉक्टर ने क्वेश्चन किया है और इज वेरी गुड क्वेश्चन. आई मीन कि यार हु मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस और दिस काइंड ऑफ अप्रोच और दिस काइंड ऑफ यू नो मेंटेलिटी इज वेरी टॉक्सिक, राइट? तो ये भी है यार, इसमें यार एक चीज़ है कि डॉक्टर्स को भी आगे आना होगा, उसको भी अपनी बातों को कन्वे कर. यार सिंपल सी बात है यार, मान लो तुम एक बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन तुम उस चीज़ को तुम बता ही नहीं रहो. यू आर जस्ट कीपिंग दैट नॉलेज विथ योरसेल्फ. हाउ एनी अदर पर्सन विल नो वेदर यू हैव दैट मच ऑफ नॉलेज और नॉट? सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम कमिंग विथ डॉक्टर्स. दे आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग बट दे आर नॉट स्पीकिंग आउट. दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? लैक ऑफ डॉक्टर्स भी एक बहुत बड़ा इशू है महाराष्ट्र में. वो केरल से बहुत सारे डॉक्टर्स अलॉन्ग विद नर्स दे आर अप्रोचिंग सो दैट कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हो सके. महाराष्ट्र मोस्ट अफेक्टेड है एज फार एज कोरोना वायरस इज कंसर्न, राइट? या थोड़ा सा ट्रेन्स की बात करते हैं. ट्रेन्स की हालत तो इज लाइक सो हॉरिबली हॉरिबल दैट आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. 1st May to 24th May 37 लाख पीपल स्विच्ड और ट्रेवल फ्रॉम, और बेसिकली ये कहो कि 37 लाख पीपल 1st May से 24 मई के बीच में इंडियन रेलवे ने डिलीवर किया है
मतलब एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है, राइट। इसमें 2,813 ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन यार द थिंग इज नॉर्मल डेज में 6,000 ट्रेन चलती हैं एंड अप्रॉक्स जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दैट इज 2.5 to 3 crore, एक दिन में इंडियन रेलवे यू नो ऑल अक्रॉस इंडिया यू नो मतलब ये करते हैं रन करते फ्रॉम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, लोगों को डिलीवर करते हैं उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, राइट। तो अभी जैसे इंडियन रेलवे लॉजिक दे रही है कि यू नो ट्रैक कंजेशन है, यार व्हाट द हेल इज नॉर्मल डेज में ट्रैक कंजेशन होता है तो समझ में आता है। अभी तो यार हार्डली 25% ऑफ द टोटल ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द ट्रैक एंड डिस्पाइट ऑफ दिस ट्रेन कंजेशन ट्रैक कंजेशन इज साउंडिंग वेरी एब्सर्ड इजंट इट। तो यार ये है जैसे बेंगलोर तो छपरा एक ट्रेन है जो 4 डे ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक वो अपनी छपरा तक नहीं पहुंची है। एक और बहुत ही एब्सर्ड चीज है, अब यार जैसे मान लो मुझे लखनऊ टू दिल्ली जाना है, अब एक ट्रेन की एक पर्टिकुलर ट्रैक होती है, ये स्टेशन पे रुकेगी और एक रोड होता है यार कि उसको ही तुम फॉलो करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम यहाँ से जा रहे हो तो फिर तुम इलाहाबाद होके जाओगे, नहीं, देयर इज समथिंग सर्टेन रूट और सर्टेन स्टेशन ही और शी मतलब दैट ट्रेन इज गोइंग टू फॉलो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही आ रहा है कि ट्रैक चेंज करके मतलब पहुँचना कहीं और घुमा फिरा के मतलब अननेसेसरी ये ड्रामा किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी एब्सर्ड एंड पेन स्टेकिंग फॉर द पर्सन हु आर डूइंग जर्नी। आई मीन यार दे डोंट हैव स्टफ टू रीड, दे डोंट हैव स्टफ टू ड्रिंक, राइट। सो दिस इज बहुत हॉरिबल है। जैसे इटारसी मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि फूड लूटेड हो गया, यार फूड ही नहीं है यार, अब भूखे हो यार 24 घंटे हो, यू डोंट हैव द स्टफ, नो वन इज कंसर्निंग और यू आर नॉट गेटिंग द स्टफ इनसाइड द ट्रेन। तो उन्होंने जो भी ब्रेड था एक्चुअली प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ था उसको लूट लिया एंड ऑल, यू नो ब्रेड का पैकेट था बेसिकली, राइट। सो ये क्यों हो रहा है यार, यार जस्ट इट्स लाइक इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस स्टैंड, इट्स समथिंग वाज जस्ट लाइक कि यार भूख है यार यार और नहीं इतनी गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर हो रही है यार एंड इट्स लाइक नो वाटर नो फूड इज गोइंग टू बी वेरी हॉरिबल फॉर एनी पर्सन वेदर मी यू और एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ। यार अब जैसे मुगल्स राय जैसे एक दीनदयाल उपाध्याय भी कहते हैं वहाँ पे भी वाटर बॉटल लूटेड हुआ है यार, नो डाउट दे हैव लूटेड एंड आई एग्री दिस इज नॉट राइट बट दिस इज अनएथिकल। बट द वे इंडियन रेलवे इज डीलिंग विद द पीपल द होल पर्सन्स आर ट्रैवलिंग इज ड्यू थिंक दैट इज एथिकल, दैट इज इटसेल्फ अनएथिकल। यार पानी इतनी मतलब ऐसे तो यार पानी तो 3 लीटर एक इंसान को पीना चाहिए, तो पानी इतनी गर्मी में यार इस इंसेन इस वेरी 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 हॉरिबल, इस वेरी डिफिकल्ट फॉर एन पर्सन टू माइग्रेट ट्रैवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन, राइट। पूर्णिया बिहार में लोगों ने यू नो प्रोटेस्ट किया है, थोड़ा सा टोल फोड़ भी किया है, थोड़ा लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। क्यों एग्रेसिव हुए थे, बेसिकली एग्रेसिव हुए होते कि वही यार स्टेशन पे रोक रखा है 4 घंटे हो रहे, 5 घंटे हो रहे, 6 घंटे हो रहे, मतलब लिटरली टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब कोई डजंट मैटर यार, 70 घंटे लग रहे, 80 घंटे, 5 दिन लग रहे, 6 दिन लग रहे, यहाँ 1 दिन से 2 दिन होना चाहिए, 5 से 6 दिन लग जा रहे, what's wrong with Indian Railway? Indian Railway is not that bad, the way now it is Indian Railway is behaving is that is not normal at all। और छपरा बिहार में है वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट हो बहुत एग्रेसिव हो गए थे, प्रोटेस्ट करने लगे थे, थोड़ा सा यू नो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे, फाइटिंग भी होने लग गई थी। क्यों होने लगी थी कि क्योंकि वहाँ पर क्या था कि रूट चेंज हो गया था ना, मतलब
रूट कुछ और है, मतलब एक जैसे मैंने बताया था एक पर्टिकुलर रूट होते हैं वहाँ पे, उसी रूट पे ट्रेन चलते राइट। लेकिन अननेसेसरी यहाँ पे जो 500 से 600 किलोमीटर यू नो व्हाट घुमा फिरा के ट्रेन लिया, व्हाट इज़ हैपनिंग। जैसे इटारसी पे यार बहुत बंदे जो पीपल थे वो फाइट भी करने लग गए थे एक दूसरे में फूड के कारण, यू नो एक किसी का फूड छीनना। तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ समथिंग व्हाट आई एम नॉट सपोर्टिंग दोज गाइज कि हाँ उसने सही किया, लेकिन यार द वे द सिचुएशन इज दैट्स वाई दे आर डूइंग ना। इफ यू विल प्रोवाइड द राइट स्टफ टू देम दे आर नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग, जस्ट दे डिड इट जस्ट बिकॉज द स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर वॉज इन्वॉल्व राइट। यार मुंबई कटिहार एक्सप्रेस में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें एक बच्चा था और एक बंदा हार्ट अटैक हो चुका था उसके कारण, उसको यू नो वॉट वो मर गया। फतेहाबाद में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने धान की सो मतलब बोने पे रोक लगा दी है, तो उसको लेकर बहुत सारे फार्मर्स ने ट्रैक्टर्स से प्रोटेस्ट किया। इट वाज लॉन्ग क्यू, इट वाज लॉन्ग क्यू, आई मीन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ द फार्मर्स पार्टिसिपेटेड एंड दे प्रोटेस्टेड इन द फ्रंट ऑफ डीसी ऑफिस। उस डीसी ऑफिस का घेराव किया था कि दिस शुडंट बी हैपन एंड दो यू हैव जस्ट लाइक बैन दिस और दैट बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो, दिस इज समथिंग व्हाट दिस इज अननेसेसरी मैन, डजंट मेक सेंस टू यू नो धान की बुआई तुम अलाउ नहीं कर दो, देर इज नो रिलेशन विद कोरोना। आई मीन इन द नेम ऑफ कोरोना यू आर जस्ट टॉर्चरिंग पीपल मैन। आई मीन इज नॉट एवरीवेयर यू फाइंड कोरोना वायरस इज वेरी प्रिवेलेंट, इट इज प्रिवेलेंट, इट इज नॉट दैट एग्रेसिव एज लाइक फ्यू मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर कंसर्न लाइक मुंबई गुजरात अहमदाबाद दिस और दैट राइट। मुंबई में यार ऑटो, अब जैसे कि मुंबई में क्या हो रहा है कि एयरपोर्ट जाना है यार, अब नॉट एवरी पर्सन हैव यू नो देयर ऑन ट्रांसपोर्ट मीडियम लाई 4-व्हीलर 2-व्हीलर दिस मोर देन एनी थिंग एल्स। आई मीन पुलिस की एग्रेसिव, आई मीन पुलिस इज बिहेविंग सो रूथलेस दैट समथिंग व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन राइट। तो जैसे टैक्सी वाले 4-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए 1500 से 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं यार, समझ रहे हो, मौके पे चौका मार रहे हैं यार, दिस इज नॉट राइट, दिस इज इनह्यूमन, दिस इज समथिंग व्हाट यार। ठीक है थोड़ा मेरा प्रॉफिट तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह 2 किलोमीटर के लिए 2000, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन यार। सबको पता है यार मिडिल क्लास और पुअर की इस कोरोना वायरस में क्या हालत हुई है, और यू नो इट्स लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मैनी ऑफ द, बहुत सारे जो मिडिल क्लास थे नाउ इट इज दे आर पुअर यू नो, सो जो पुअर थे और भी एक्सेसिव पुअर हो चुके हैं, दे आर जस्ट लाइक दे आर इन यू नो जस्ट अबाउट टू डाई जस्ट बिकॉज द स्कैर्स इज द फॉर यू नो स्टारिंग दे आर स्टारिंग। जॉब की कमी है, EMI पता ही है यार, मिडिल क्लास भी थोड़ा सा हाई बनना दे, EMI इज समथिंग व्हाट एवरीवेयर यू फाइंड वेरी कूल टू लाइक हे अच्छा ये घर कितने यार EMI पे लिया, इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर थिंग्स आर सो सीरियस सो नेस्टी दिस EMI एंड दिस सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मैनी ऑफ द यू नो मिडिल क्लास पर्सन। सो उनमें भी अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है, फैमिलीज हैं यार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, क्योंकि यार दे डोंट हैव द इवन सफिशियंट फूड टू ईट एंड दे हैव टू गिव EMI सो मेनी लोन्स, कुछ बंदे ले रखे दिस और दैट ले रखे यार, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम फॉर मिडिल क्लास पर्सन राइट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जैसे कि मोदी ने भी कहा था टेनेंट को लेके जो किराएदार है कि उससे पैसे ना लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस यार, लेकिन दिस इज़ नॉट फीजिबल, दिस इज़ नॉट फीजिबल, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट इधर गवर्नमेंट पे दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल दिस और देन वी कैन इवन थिंक टू यार ओके इट्स फाइन गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग सो वी हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट बट द थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे, तो दिस इज ऑल्सो वेरी हॉरिबल सिचुएशन फॉर, और बहुत सारे लोग इस पे ही डिपेंडेंट होते हैं यार, देयर लाइफ बेस्ड ऑन द मनी दे आर गेटिंग फ्रॉम द टेनेंट, उनकी जो लाइफ इस पे ही चलती है यार, तो दिस इज समथिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो वो चार्ज कर रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है यार, वही जैसे इधर गवर्नमेंट पे करे यार
यार जो बंदे जो लैंडलॉर्ड वो तो लेंगे ही नहीं यार, उनको भी तो बहुत सारी चीज़ें, उनको भी EMI भरनी है यार, बहुत सारी ये बिजनेस है, इज समथिंग और प्रोफेशन फॉर मैनी एंड देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, राइट? सो यू कांट इग्नोर इट, कांट लाइक ओके लेट इट बी, नो यू कांट डू इट, राइट? एक और चीज़ है यार, इंडिया और चाइना में एक टेंशन हो रखा है, मतलब इंडिया एक्चुअली लद्दाख में क्या कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रोड्स बना रही है सो दैट की ट्रांसपोर्ट ईज हो पाए यार, एक जगह से दूसरे जगह लोग एक्सचेंज कर पाए, इज़ बिकम कंफर्टेबल, इज़ बिकम कॉन्वीनियंट फॉर द पीपल टू यू नो माइग्रेट, और जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, मतलब एक्सचेंज ऑफ बेसिकली थिंग्स, एयरपोर्ट बनेगा तो यार लोग वहाँ पर जा पाएंगे, ईज हो पाएगा। लेकिन चाइना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्रोटेस्ट कर रहा है, चाइना इज़ बिकमिंग इनसेन, जस्ट यू नो putting whatever the hurdles he can, he is trying his best to you know stop all this thing, but the Indian government is very aggressive with this, is retaliate, and Indian government is not in the mood to listen China at all. They are progressing in a very insane way, and this is a very good thing to do, right? Why will think about any other person? We are at our own land, and you will stop this, no, why you are involving, I mean you don't have any right to do so, right? So this is something what China is doing is not right. I mean, unnecessary making drama more than you know many of the you know good you know person, good person means the good knowledgeable persons thing, unke according ye hai ki yaar jaise China mein coronavirus COVID-19 Wuhan city mein to log bahut zyada aggressive hai, bahut zyada ये कह रहे हैं कि यू मस्ट बी सैक ऑफ फ्रॉम योर प्रेसिडेंट पोस्ट दिस, तो उस सब ये भी एक बहुत बड़ा एग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें, यू नो व्हाट एवरी पर्सन जस्ट पोकिंग यू, तो और तुम क्या करोगे, चीज़ों को इधर से उधर फाइंड आउट करते, तो चाइना इज डूइंग द सेम थिंग विथ इंडिया, राइट? सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट, थैंक यू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।